वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्री अकाल। आज हम लोग मार्च 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस आज हम डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मेन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट केस है हमारा, वो है हमारा समता नायडू एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर इस केस में जो सेकंड कंप्लेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिस्कस किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली यह मेंशन दैट इफ द कोर ऑफ बोथ द कंप्लेंट्स वाज द सेम, अगर दोनों कंप्लेंट सेम हुई तो सेकंड कंप्लेंट जो है वो मेंटेनेबल नहीं है हमारे लॉ में। ये इंपॉर्टेंट हमारे केस लॉ है हमारे लिए, तो ये प्लीज़ आप नोट कर लेना। समता नायडू एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये केस डिसाइड किया गया है, सेकंड कंप्लेंट ऑन द सेम फैक्ट्स नॉट मेंटेनेबल। द सेकंड केस जो हमारे हाथ में है वो है हमारा डेट इज़ डाउनटाउन टेम्पटेशंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जो हमारे बेंच थे हमारे जस्टिस के, वो थे हमारे जे आर एफ नरीमान एंड रविंद्र भट्ट। जो हमारे जस्टिस थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो वाइल कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस है, दे हैव नो पावर अंडर सेक्शन 102 ऑफ सीआरपीसी टू सीज एन इमोबल प्रॉपर्टी। ये काफ़ी अब तक सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, दे हैव नो पावर अंडर द सीआरपीसी ऑफ सेक्शन 102 टू सीज एनी इमोबल प्रॉपर्टी वाइल इन्वेस्टिगेटिंग द केस। प्लीज़ नोट डाउन, जो हमारा थर्ड केस है वो हमारा जो सप्लीमेंट्री चलान के ऊपर है, दैट इज सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की है। सुप्रीम कोर्ट ने सतीश कुमार नियालचंद शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, बेंच ऑफ जस्टिस अशोक भूषण एंड एम आर शाह द्वारा ये डिस्कस किया गया इस केस को। दे हैव डिसाइडेड दैट इफ द पुलिस एवर कम बिफोर द कोर्ट एंड रिक्वेस्टेड टू कि आप उसको अलाउ कर दो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर एप्लीकेशन मूव की जा रही है पुलिस द्वारा कोर्ट में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, उस एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए अक्यूज की जरूरत नहीं है। तो ये डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने दैट कोर्ट नॉट ऑब्लिग्ड टू हियर अक्यूज वाइल कंसिडरिंग द प्ली फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, एज दिस इज द राइट ऑफ द पुलिस पार्टी एंड द प्रोसीजर लॉ, कि यहाँ पर अक्यूज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। द कोर्ट क्या है, जो उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, दे कैन अलाउ द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो ये वैसे भी बेसिकली पुलिस इन्वेस्टिगेशन की पावर है। यहाँ पर नंबर ऑफ सेक्शंस हमारे हैं और नंबर ऑफ अथॉरिटीज़ हैं। यहाँ पे इस अथॉरिटी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है दैट द अक्यूज की जो उसकी प्रेजेंस है बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रही है, कोर्ट उसको अलाउ कर रही है, कोर्ट को अक्यूज को सुनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। देन वी हैव अनदर केस, दैट इज़ पर्वत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट केस ऑल्सो। हम लोग बात करते हैं जो सीआरपीसी के अंडर जो हमारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड्स होते हैं विटनेसेस के, वो स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे 161 ऑफ सीआरपीसी के अंडर, गॉट इट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिटेटेड दैट द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी इज इनएडमिसिबल इन एविडेंस एंड कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन एंड यूज टू कन्विक्ट द अक्यूज्ड बट वाइल सेटिंग साइड द कॉन्करेंट कन्विक्शन इन ए मर्डर केस। इस केस में, मर्डर केस में कोर्ट ने उसको उसकी कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया, जो कॉन्करेंट कन्विक्शन थी उसको सेट असाइड कर दिया। और जो बेंच था हमारा जस्टिस अशोक भूषण एंड मिस्टर एम आर शाह का जो बेंच था, उन्होंने डिसाइड किया, ऑब्जर्व किया कि जो 161 के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन पर्पज़ के लिए और ओमिशन पर्पज़ के लिए ही यूज़ की जा सकती हैं। Which means that the complainants, जो complainant है उसकी statement, जो उसने FIR record की थी 154 के अंदर जब उसने statement दी थी, that statement is an important statement and the witness they basically usually corroborate, contradict जो उस statement को करते हैं। तो Supreme Court ने ये बिल्कुल clear कर दिया कि अगर if there is no complainant and only the witnesses are there on the basis of the statements of 161 of CRPC, one cannot convict the accused person. ये काफ़ी हद तक हमारी क्लियर हो चुकी है पिक्चर। देन वी हैव अनदर केस, दैट इज़ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेज रजत इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड।
ये DRAT के अंडर जो थी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ है हमारा, क्योंकि ये जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू ADG में काफ़ी नंबर टर्म्स जो सरफेसिक एक्ट है वो पूछा जाता है, DRAT एक्ट पूछा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया यहाँ पर कि DRAT कैन नॉट एंटरटेन एन अपील। ये हमारा DRAT है क्या, बेसिकली डेप्ट रिकवरी जो है हमारा अपीलन ट्रिब्यूनल है, वो अपील को एंटरटेन कर ही नहीं सकता जब तक आप प्री डिपॉजिट नहीं करा लेते कुछ अमाउंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया दैट डेप्ट रिकवरी अपील ट्रिब्यूनल कैन नॉट एंटरटेन एन अपील अंडर सेक्शन 18 ऑफ द सरफेसी एक्ट विदाउट इंसिस्टिंग ऑन प्री डिपॉजिट। तो बिना प्री डिपॉजिट के आप लोग, कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि DRAT दे हैव नो पावर टू एंटरटेन एन अपील। तो ये जो हमारा बेंच था वो जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध दैट इज अनिरुद्धा बॉस जो था, उन्होंने जो सेट असाइड की थी जजमेंट जो बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दी गई थी। और तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो जब तक आप प्री डिपॉजिट नहीं करा लेते तब तक तो जो डेप्ट रिकवरी अपील ट्रिब्यूनल दे कैन नॉट हेयर द अपील, हम उसको अलाउ नहीं कर सकते आप। देन वी अनदर इंपॉर्टेंट केस जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये केस है हमारा कंज्यूमर फोरम के अंदर, ये केस था हमारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस हिली मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड। जो बेंच था हमारा जस्टिस अरुण मिश्रा, इंदिरा बैनर्जी, वनीत सरा, MR शाह एंड S रविंद्र भट्ट का जो बेसिकली ये हमारा बेंच था, इन्होंने डिसाइड किया कि जो कंज्यूमर फोरम है दे हैव नो पावर टू एक्सटेंड टाइम बियॉन्ड 45 days फॉर अपोजिट पार्टी वर्जन। जैसे हम लोग सिविल केसेस में बोलते हैं ना कि रिटर्न स्टेटमेंट जो उसको फाइल करनी पड़ती है, तो यहाँ पर जो अपोजिट पार्टी है उसको अपना वर्जन 45 days के अंदर अंदर उसको देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है डिड नॉट एम्पावर द कंज्यूमर फोरम टू एक्सटेंड द टाइम बियॉन्ड द पीरियड 45 days। द टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 13 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज टोटली मैंडेटरी एंड नॉट डायरेक्टरी। सो हेल्ड द जजमेंट ऑथराइज्ड authored by Justice Vineet Sara for the bench. यो ये जो बेंच हमारा, इन्होंने डिसाइड किया कि the consumer forum they have no power to extend the time period beyond 45 days for the opposite party version. Then we have another case, ये काफ़ी important case है हमारे लिए, that is Vijay Vishnarao Khurundkar versus State of Maharashtra and others. Heading आपके सामने है बिल्कुल जी, appointment जो आपने फ्रॉडुलेंट कास्ट सर्टिफिकेट दे के ली है वो बिल्कुल वॉइड अब एन इश्यू है। सुप्रीम कोर्ट कह दिया अगर आपने अपॉइंटमेंट ले ली किसी सर्विस में, आप आ गए चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस है चाहे कुछ भी हो, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉडली आपने लिया है और उस कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपने कोई अपॉइंटमेंट ले लिया है कोई, तो वो अपॉइंटमेंट बिल्कुल वॉइड मानी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व दैट एन अपॉइंटमेंट सिक्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रॉडुलेंट कास्ट सर्टिफिकेट इज वॉइड अब एन इश्यू एंड द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन एंड सर्कुलर कैंट प्रोटेक्ट सच अपॉइंटीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। उसके बाद तो अगर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास भी कर देना कि ठीक है जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये जो अपॉइंटमेंट है ये वैलिड है, बट स्टिल लॉ कहता है कि इस गवर्नमेंट के पास अगर रेजोल्यूशन भी पास कर दिया, सर्कुलेशन भी पास कर दिया, तो वो सर्कुलेशन, वो रेगुलेशन, वो सारे भी वॉइड माने जाएंगे। ये विजय कृष्णराव खुरंदकर वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है हमारा। देन वी हैव अनदर केस, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए केस लॉज है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू, प्री पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट केस हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक वर्सेस दुर्गेश कोवर का केस है। कोर्ट ने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो है सेक्सुअल हरासमेंट है एट वर्क प्लेस इज एन अफ्रंट टू वुमन्स फंडामेंटल राइट। आप वुमन के जो फंडामेंटल राइट राइट टू वर्क, उसमें बेसिकली आप ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो अगर वहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है। तो जस्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, यहाँ पर एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है और डेफिनेटली वी हैव अ नंबर ऑफ लॉज जहाँ पे उनकी कन्विक्शंस बिल्कुल तय होती है। तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो हरासमेंट एट वर्क प्लेस वो बिल्कुल अलाउ नहीं की जाएगी। देन वी हैव अनदर केस, इट इज़ ऑन द हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के रिगार्डिंग है। यहाँ पर केस जो है हमारा M विनेजा वर्सेज M सरला देवी केस। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दिया कि जो कंसेंट ऑफ वाइफ है जो एक्चुअल सेरेमनी ऑफ अडॉप्शन है एसेंशियल फॉर वैलिड अडॉप्शन, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। जब भी हस्बैंड अगर चाहे अगर वो अडॉप्शन करना चाहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, इफ़ अगर उसकी वाइफ जिंदा है तो देन ही उसको अपनी वाइफ की कंसेंट लेनी होगी और जो एक्चुअल सेरेमनीज हैं अडॉप्शन के उसको कंप्लीट करना होगा तभी वो अडॉप्शन वैलिड मानी जाएगी। तो कंसेंट ऑफ द वाइफ इफ शी इज़ ऑफ साउंड माइंड डैट मीन्स आपको कंसेंट लेनी ही पड़ेगी, देर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव।
अगर वो सीज टू बी ओन दी हो गई है, अगर वो ठीक है, वो पागल हो गई है, तो उसकी बात ख़त्म। अदरवाइज़ हम लोग को कंसेंट यहाँ पर लेनी ही होगी। अदरवाइज अगर बिना कंसेंट के अगर आप अडॉप्शन करते हो तो इट्स आर टोटली वॉइड। देन यू अनदर केस भगवान सिंह वर्सेस स्टेट, वी ऑल नो कि जो लाइसेंस गन्स हैं बेसिकली हम लोग उसको सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऐसे लोग भी हमारे पास हैं इंडिया में जो लाइसेंस गन के साथ अपनी सेलिब्रेशन करते होते हैं, फायरिंग कर रहते हैं, अपने आप को खुशी देने के लिए वो कहीं भी फायर कर देते हैं, शादियों में, मैरिज में, कहीं और फंक्शंस में वो फायर कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए काफ़ी बिल्कुल वो एक्सप्रेस किए हैं कंसर्न अबाउट द राइजिंग इंसिडेंट। तो कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यहाँ पर अगर कोई इंसिडेंट हुआ और किसी की डेथ होती है तो बेसिकली वो 302 के केस को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि जो फोर्थ पार्ट ऑफ सेक्शन 300 है वो नॉलेज है कि अगर आप उसको यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं अगर इंसिडेंट होगा तो उसकी डेथ होगी, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर 302 अप्लाई होगा। देन अनदर केस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जॉइंट लेबर कमिश्नर एंड रजिस्टरिंग ऑफिसर वर्सेस केसर लाल का केस है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर जो रजिस्टर्ड है हमारा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996 के अंदर, तो वो कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है, वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस हुआ है, जो हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं अगर उनका अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो डेफिनेटली वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में फॉल कर रहे थे और वो सूट फाइल कर सकते हैं अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। देन यू अनदर केस इंपॉर्टेंट केस, देयर इज अ बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर फॉरेन लॉ जो फॉरेन कोर्ट की जो डिक्री थी उसके रिगार्डिंग कोर्ट ने डिस्कस किया था। तो लिमिटेशन फॉर एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री पास्ड बाय अ फॉरेन कोर्ट विल बी द लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द रेसिप्रोकेटिंग फॉरेन कंट्रीज। तो अगर पाकिस्तान में अगर डिक्री पास हुई तो जो पाकिस्तान में जो लिमिटेशन प्रिस्क्राइब किया गया वही हम लोग मान के चलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हेल्ड किया कि लिमिटेशन पीरियड जो फॉर एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री पास्ड बाय अ फॉरेन कोर्ट इन इंडिया will be the limitation prescribed in the reciprocating foreign country। तो वो जो limitation period होगा वो same माना जाएगा। लेकिन बेंच ने यहाँ पर फर्दर कुछ ऐड किया है। जो बेंच था हमारा जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बॉस का, उन्होंने हेल्ड किया कि जो पटिशन ऑफ लिमिटेशन वुड स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री वॉज पार्ट इन ए फॉरन कंट्री ऑफ reciprocating country। अगर जिस दिन सपोज द 1st जनवरी ऑफ 2020 में पाकिस्तान ने डिक्री पास कर दी तो लॉ कहता है कि उसी दिन से वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। हाउएवर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, हाउएवर इफ़ द डिग्री होल्डर फर्स्ट टेक स्टेप्स इन ए टू एग्जीक्यूट द डिग्री इन द कॉजेज कंट्री, अगर वहाँ पर पाकिस्तान में डिग्री होल्डर ने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेप लिए लेकिन वो प्रॉपर सेटिस्फाइड नहीं हुई वहाँ पर, लाइक सपोज 20 लाख की थी, 10 लाख वहाँ पर सेटिस्फाइड हो गए, स्टिल 10 लाख लेने अभी बाकी हैं। लॉ कहता है कि अगर वो दोबारा इंडिया में आना चाहता है तो उसके लिए वो वहाँ पर क्लियर है कि 3 ईयर्स फ्रॉम द फाइनलाइजेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग द कॉज कंट्री। तो वहाँ पर 3 ईयर्स माना जाएगा जब वहाँ पर एग्जीक्यूशन जो है बिल्कुल एंड खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में, उसके वहाँ पर और कुछ नहीं अगर प्रॉपर्टी हुई तो, जब खत्म होगी फाइनलाइजेशन होगी उसके बाद हमारे पास 3 ईयर्स हैं अगर आप इंडिया में सूट फाइल करना चाहते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट जो है काफ़ी। देन वी हैव अनदर काफ़ी, अगर हम बात करें इक्वालिटी के रिगार्डिंग तो काफ़ी इक्वालिटी के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट्स काफ़ी पास किए हैं। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस लेफ्टिनेंट कैडरे एनी नागराजा एंड अदर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस हुआ है हमारा ये, प्लीज़ इसको नोट डाउन करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी थी डायरेक्ट्स नेवी टू ग्रांट परमानेंट कमीशन फॉर सर्विंग वुमेन्स एस एस ऑफिसर्स, जो हमारे लेफ्टिनेंट रैंक के ऊपर जो हमारे जो लेफ्टिनेंट रैंक के जो हमारे कमीशन ऑफिसर्स होते हैं वुमेन्स, उनके लिए परमानेंट कमीशन ग्रांट करने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन इशू कर दी है। तो फर्दर अगर हम वहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पर क्लियर है कि इन ए लैंडमार्क वर्डिक्ट ऑन जेंडर इक्वालिटी द सुप्रीम कोर्ट ऑन इन द मार्च ऑफ मार्च, वहाँ पर मार्च मंथ है, हेल्ड एट द सर्विंग वुमन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर इन इंडिया विल वर एंटाइटल टू परमानेंट कमीशन एट द पार विद देयर मेल काउंटर पार्ट्स। तो वो परमानेंट कमीशन आप ले सकते हो, इट्स योर चॉइस।
क्योंकि अगर शॉर्ट कमीशन है तो डेफिनेटली 5 साल आपको काम करना होता है, वो परमानेंट कमीशंस मेल के लिए तो बिल्कुल वहाँ पर ओपन कर रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया कि वो वुमन्स हैं तो डेफिनेटली क्वालिटी वहाँ पर भी होनी चाहिए। तो ये डिवीजन बेंच जो कंप्राइजिंग जस्टिस डी वी चंद्रचूड एंड अजय रस्तोगी, दे प्रनाउंस अ वर्डिक्ट इन द केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज लेफ्टिनेंट कैडरी एनी नागराज एंड अदर्स एंड कनेक्टेड मैटर्स, उसके अलावा जो अदर कनेक्टेड मैटर्स थे वो भी डिसाइड किए इसने। तो इट मे बी नोटेड एट द सेम बेंच February 17th में भी इन्होंने एक जजमेंट डिलीवर की थी, वहाँ पर भी कोर्ट ने कहा था कि परमानेंट कमीशन होना चाहिए। वो केस कौन सा था? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेज बबीता पुनिया एंड अदर्स, और ये फरवरी की डिसीजन था, और ये जो हमारा जो आज हम कर रहे हैं डिस्कस वो हमारा मार्च का डिसीजन है, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज लेफ्टिनेंट कैडरे एनी नागराजा एंड अदर्स, ये हमारा मार्च का डिसीजन है। देन वी हैव अनदर केस दैट इज धनपत वर्सेज शिवराम थ्रू, वो अपने लीगल रिप्रेजेंट, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है शिवराम की, तो वो अपने लीगल रिप्रेजेंट के थ्रू वो उसने सूट फाइल किया था। तो ये है बेसिकली हमारा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन नॉट नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी एविडेंस। लॉ कहता है कि अगर आपके पास सेकेंडरी एविडेंस है तो आपको एप्लीकेशन मूव करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट प्रूव कि हाँ भी ठीक है, हमारा पास प्राइमरी जो सोर्स था वो हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो हमको सेकेंडरी एविडेंस जो है हम लोग डायरेक्टली पेश कर सकते हैं। देर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू मूव एन एप्लीकेशन, देर इज़ नो रिक्वायरमेंट कि कोर्ट जो है वो उसका रिप्लाई दूसरी पार्टी से ले। तो सेकेंडरी एविडेंस कैन नॉट बी ओस्टेड फॉर कंसिडरेशन ओनली बिकॉज एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू लीड सेकेंडरी एविडेंस वॉज नॉट फाइल्ड, दिस इज ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट, और ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर हमारी हो गई है। देन यू हैव अनदर केस दैट इज श्याम साहनी वर्सेज अर्जुन प्रकाश एंड अदर्स का केस है हमारा। तो यहाँ पर बिल्कुल कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि आपके पासपोर्ट भी हम लोग कहीं ना कहीं सीज कर सकते हैं, यहाँ पर कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि सरेंडर ऑफ पासपोर्ट कैन बी ऑर्डर्ड। तो ये याद रखिए कि आपके पासपोर्ट सरेंडर किए जा सकते हैं, वो कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है ताकि आपकी प्रेजेंस को वो इंश्योर कर सके। कौन सी प्रोसीडिंग में? कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में आपके पासपोर्ट भी सरेंडर किए जा सकते हैं ताकि आपकी प्रेजेंस को इंश्योर किया जा सके। तो दीज आर द केसेज जो हमने आज डिस्कस किए मार्च 2020 के रिगार्डिंग है। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि प्री पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल द मेन पॉइंट, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आज डिस्कस किए हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कैसा नहीं लगा प्लीज़ आप कमेंट में जरूर दे देना, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके, वो बेनिफिट ले सके इस कोचिंग सेंटर का जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए खोला गया है। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल जी।